कोई ऐसा है क्या जो अभी भी 1:30 बजे तक आएगा? लवप्रीत, गुड नून वॉइस आ रही है ना, ये किसने तोड़ दिया? ठीक है, ओके, ठीक बढ़ाऊं? बढ़ा दो। चलो हो गया बस। रेडी? कल हमने लास्ट, अच्छा हमने मीनिंग ऑफ ऑडिट देख लिया एज पर आईसीएआई, और एक क्या देख लिया था एज पर एसए। एसए नंबर कौन सा है? ठीक है, और हमने कल क्या पढ़ लिया? फीचर्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव मतलब रीजन, यानी कि आप ऑडिट करवा रहे हो तो क्या पर्पस है ऑडिट को करवाने का। अच्छा आप है ना, सुनो, दो चीजें हैं, एक तो है ऑब्टेनिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और एक है फाइंडिंग आउट फ्रॉड्स एंड एरर्स। ऑब्टेनिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और एक है फाइंडिंग आउट फ्रॉड्स एंड एरर्स। इसमें से एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बताओ प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा है? ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू प्राइमरी है और एरर्स एंड फ्रॉड सेकेंडरी है। सही है क्या? कोई उल्टा बोलना चाह रहा है? रीजन? गलती से। हाँ देखो, हमारा इंटेंशन ऑडिट करने का ये होता है कि पहले से ही फ्रॉड ढूंढने जाएंगे? नहीं, इंटेंशन ऑफ ऑडिट क्या होता है कि जो बैलेंस शीट बनी, जो पीएनएल बना है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ है क्या एग्जैक्ट पोजीशन वैसी ही है या कुछ चेंजेस है, तो हमें वो चेक करना है। और वो चेक करते करते अगर हमें बीच में ही क्या मिल जाते हैं, फ्रॉड्स या एरर्स मिल जाते हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हम इस पर्पस से ऑडिट करने नहीं जाते कि हमें पहले से ही क्या ढूंढने हैं, फ्रॉड्स एंड एरर्स। वो आपको ऑडिट करते करते मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो मान लो कोई कंपनी है, उसमें आप गए ऑडिट करने के लिए, आपने ऑडिट किया और सब कुछ ठीक है, मतलब कंपनी ने कोई भी ना फ्रॉड किया ना एरर किया और ट्रू एंड फेयर व्यू भी आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एकदम करेक्ट है। अब वो कंपनी आपको क्या बोल रही है कि हम आपको कोई फीस नहीं देंगे, क्योंकि आप जिस काम के लिए आए थे कि हमारी गलतियां निकालने, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, गलतियां निकालने आए थे ना आप, नहीं मिली ना तो फीस काहे की ले रहे हो, निकलो। अच्छा क्या ये बोलना सही है? क्या वो वहां पे आपकी गलतियां निकालने की फीस ले रहा है, या वो ये, यस, गलती निकालने की फीस ले रहा है, वो ऑडिट का प्रोसेस करने की फीस ले रहा है?
सब कुछ ठीक है तो भी वो बता देगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, और अगर गलती है तो वो आपको गलतियां बता देगा। आप क्या उसको ये बोल सकते हो गलती नहीं निकलेगी तो फीस नहीं देंगे? अगर ऐसा बोल दिया तो कभी भी वो आपके बारे में सही बोलेगा? कोई भी पर्सन ऐसा तो है नहीं जो फ्री में आपके लिए काम करे। तो आपने उसको क्या बोल दिया कि हम तुम्हें फीस नहीं देंगे अगर हमारी कंपनी एकदम करेक्ट है? तो क्या वो कभी भी अपने ओपिनियन में कंपनी को करेक्ट बोलेगा या हर बार गलती निकाल देगा? तो वही वाली बात है ना कि अगर तुम्हारे एग्जाम में से मान लो 10 में से 10 आ गए और तुम क्या बोल रहे हो कि फीस नहीं देंगे आप, क्योंकि हमें तो सब कुछ वैसे ही आता है तो आपने तो क्या ही उखाड़ लिया पढ़ा के। सही बात है, अब तुम लो फिर 10 में से 10। हाँ तो अब वही वाली बात है यहाँ पे भी, तो फीस किस पे डिपेंड कर रही है? गलतियां निकालने पे क्या? नहीं, ऑडिट का प्रोसेस करने पे। और ऑडिट के प्रोसेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड्स एंड एरर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है? हाँ यहीं बैठ जाओ। ठीक है तब चलो। अच्छा ये तो अपने दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हो ही गए, इसके अलावा और भी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि ऑडिट के, मतलब ऑडिट करने से और क्या क्या बेनिफिट होंगे? वही तो ऑब्जेक्टिव है, बताओ। क्या बोल रही हो? कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी या अच्छी होगी? इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कंपनी की गुडविल बढ़ेगी अगर कंपनी ने अपनी ऑडिट करवाई है। इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। और शेयर होल्डर का? अच्छा अपन शेयर होल्डर के बजाय स्टेक होल्डर वर्ड नहीं बोल सकते कि स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बढ़ेगा? अब स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आएंगे? शेयर होल्डर्स तो आ ही जाएंगे, इसके अलावा बैंक्स, बैंक्स भी खुश रहेंगे ना, ऑडिट हो रही है तो उल्टा काम नहीं होगा। और क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स और बैंक्स में आ गए, और सेलर किस चीज का? हम सेल कर रहे हैं, सामने वाला हमें सेल कर रहा है, वो तो आ गया ना। डेटर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है भाई ऑडिट हो नहीं हो, अपने काम से काम रखे। गवर्नमेंट को वही ना, कल अपन ने क्या एग्जांपल लिया, कंपनी क्या करती है इनकम को कम शो करके टैक्स इवेशन। अगर ऑडिट हो रही है तो क्या आप इस तरीके से इनकम को हाइड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। रेगुलेटर्स, एक बात बताओ, अगर हम आरओसी को बोले ऑडिट नहीं हो रही है तो उसका काम बढ़ जाएगा ना, उसको चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी ऑडिट हो रही है तो वो अपनी चेकिंग के स्कोप को कम कर देगा, ठीक है? तो रेगुलेटर्स का भी क्या हो जाता है यहाँ पे, एक ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है? और चलो इस टॉपिक को छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, एटसेट्रा। हाँ एटसेट्रा, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर सारे आ गए। हाँ कोई भी मैनिपुलेशन वगैरह अगर है भी, तो पहली बात तो मैनिपुलेशन के स्कोप क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है? और अगर है भी तो वो आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना, या जो भी डेविएशन है उसको रिमूव भी कर सकते हैं ना, ठीक है? और कुछ? हाँ एक बात बताओ, आपको यहाँ पे अपन ने ऊपर बात कर ली वैसे तो कि आपकी गुडविल वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगी, अब आपको लोन वगैरह लेने में इजी रहेगा नहीं रहेगा? तो क्योंकि बैंक आपके ऊपर अब ट्रस्ट करते हैं, तो आपको चाहे आप लोन की बात करो चाहे आप फंड की बात करो, मतलब कैपिटल की बात करो, कि दोनों पॉइंट आ गए ना, तो उसको हमने घुमा के वापस वही लिख दिया। क्योंकि अगर बैंक खुश है तो लोन जल्दी मिलेगा, और अगर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर खुश है तो जो आपका ओनर्स फंड है वो भी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। लिखो। हाँ जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया और आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने पड़ जाते हैं क्या चीज, अपने फाइनेंशियल, तो क्या आप वो कोर्ट में भी लेके जा सकते हो क्या? अब ऑडिटेड है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे एज कम्पेयर टू अनऑडिटेड। लिखो, हेडिंग बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, दो पार्ट बनाओ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी कौन सा है? और सेकेंडरी फ्रॉड्स एंड एरर्स।
प्राइमरी में डेटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू, डेटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। एंड सेकेंडरी में लिखो डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स, डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। इसके बाद लिखो अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद लिखो अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, लिख लिया। लिखो फर्स्ट पॉइंट एनहांस्ड गुडविल और रेप्यूटेशन, नेक्स्ट इंक्रीज्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। लास्ट डिटेक्ट वेस्टेज एंड लॉसेस एंड इंश्योर्स इट्स मिनिमाइजेशन। इंश्योर्स इट्स मिनिमाइजेशन। ठीक है, क्या है फर्स्ट पॉइंट, क्या होगा इससे? गुडविल बढ़ेगी। सेकंड, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस किसका? शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स का। नेक्स्ट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, जो अपन ने बात की कि बैंक वगैरह या इन्वेस्टर्स हैं वो आपको फंड इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है? इंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि जितना प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट अगर सही से शो हो रहा है बुक्स में तो आप वो प्रॉफिट किसको रिटर्न कर रहे हो? इन्वेस्टर्स। यानी अगर बुक सही नहीं है तो उसमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी सही नहीं है। तो अगर प्रॉफिट सही नहीं आया तो क्या हम इन्वेस्टर्स को सही प्रॉफिट बांट रहे हैं क्या? नहीं। पर ऑडिट हो रही है इसका मतलब प्रॉफिट भी कैलकुलेशन सही है और रिटर्न भी उनको सही मिल रहा है। और लास्ट क्या है?
हाँ, डिटेक्ट वेस्टेज एंड लॉसेस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही होती है चीजों पे। अब एक बात बताओ, अगर आपकी कॉस्ट वेस्टेज ज्यादा है तो कॉस्ट इनकर कैसी होगी, ज्यादा या कम? ज्यादा ही आएगी। और कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा है तो आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑडिट में और के देखने को मिलता है हमें कि कहाँ कहाँ पे आपकी वेस्टेज हो रही है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो सारी चीजें भी हमें ऑडिट बेनिफिट करता है। क्लियर है? चलो अब आना नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अभी टॉपिक का क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव। अब टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस। बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं दोनों, है ना? अलग अलग है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस। और ऑब्जेक्टिव पर्पस। आप ऑडिट कर रहे हो क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव यही तो है ना, ऑडिट करने का रीजन क्या है, हम कोई भी काम क्यों करते हैं, उसके एडवांटेज हो या डीमेरिट हो। एडवांटेज हो तो जो अभी अपन ने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं वो सब पॉइंट्स कौन से हैं? एडवांटेजेस वाले हैं, इंपॉर्टेंस वाले, सिग्निफिकेंस वाले। तो अब वापस से टॉपिक क्यों गिवन है? देखो, अल्टीमेटली चाहे तुम्हारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव आ जाए, चाहे इंपॉर्टेंस आ जाए, चाहे बेनिफिट आ जाए, चाहे सिग्निफिकेंस आ जाए, ये चारों टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे तुम इंटरचेंज कर लोगे तो चल जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाले पॉइंट वहां पे रिपीट नहीं कर सकते, या वो टॉपिक आया तो ये नहीं लिख सकते। मतलब आप इंटरचेंज कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली सब में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिग्निफिकेंस जो है यहाँ पे उसको इसने तीन तरीकों से बताया। एक बार लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट लिखो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड फ्रॉम आईसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। आईसीएस के फुल फॉर्म है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और थर्ड लिखो फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमें ऑडिट की जो इम्पोर्टेंस पढ़नी है वो तीन लोगों के अकॉर्डिंग पढ़नी है। मतलब तीन हमें पॉइंट ऑफ व्यू गिवन है। फर्स्ट किसका गिवन है? लीगल, मतलब लॉ इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है। सेकंड आईसीएस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग, और तीसरा एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखो, सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि लॉ। एक बात बताओ, हमने कल ही बात की है कि स्टैचुटरी ऑडिट क्या होती है, फाइनेंशियल ऑडिट, तो ठीक है, पर कंपलसरी, उसको लॉ ने कंपलसरी किया है, इसलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैचुटरी ऑडिट बोलते हैं। अब अगर आपने ये ऑडिट नहीं करवाई तो चलेगा? क्या आएगी आपके ऊपर? पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं कि लॉ क्या कह रहा है कि ये मैंडेटरी है, तो आपके लिए ऑडिट करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये ऑडिट नहीं करवाई तो लॉ के अकॉर्डिंग आप किस में आ रहे हो, नॉन कंप्लायंस में आ रहे हो क्या? बिल्कुल। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा, लीगल है यहाँ पे, मतलब कंपल्सरी है तो करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? तो बेनिफिट कैसे आया, उल्टा सोच लो, नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो नॉन कंप्लायंस आ जाएगी और पेनल्टी वगैरह आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये। अच्छा, इसके अलावा जो अपन ने यहाँ पे दो तीन पॉइंट पढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बैंक से लोन लेना है तो बैंक का खुद का लॉ है या नहीं है, आरबीआई उनको क्या बोलता है कि जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड वाले नहीं चेक कर लेते तब तक आप लोन वगैरह सैंक्शन मत करो। और आप सिर्फ बिगनिंग में ही नहीं, मतलब जैसे लोन दिया उस टाइम पे नहीं, बल्कि बीच बीच में भी क्या करते रहो, चेक्स करते रहो। तो याद है अपन ने एक डायरेक्टर भी पढ़ाया,
इसी के रिगार्डिंग बताओ क्या नाम है लॉ में, ऐसा डायरेक्टर जो बैंक अपनी कंपनी में भेजता है चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, बैंक के लिए काम करेगा वो, क्या आसपास हो? नहीं, नॉमिनल, नॉमिनी, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर या तो बैंक भेज सकती है या गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट भेज देती है ना, तो यहाँ पे बैंक को भी तो इंश्योर करना होता है ना कि हमने अगर आपको लोन वोन दिया है तो आप उसको मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए ऑडिट करवाई हुई रहेगी तो वो भी श्योरिटी से रहेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मान लो आपने इंश्योरेंस ले रखा है और अभी आपका लॉस वगैरह हो गया, तो अब वो आपको क्लेम देंगे, तो आपने बोल दिया कि हमारा 5 करोड़ का लॉस हुआ है, वो आग बन करके आपको 5 का क्लेम दे देंगे क्या? वो वेरीफाई करेंगे तो वो आपके फाइनेंशियल मांगेंगे, नहीं मांगेंगे बिल्कुल कि अभी कितना था, कितना लॉस हुआ एक्चुअल, तो वो सब चीजों के लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज को क्या चाहिए, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। और वो जो अपन ने अभी एक पॉइंट लिया था कि अगर आपका कोर्ट में केस वेस हो रहा है तो वहां पर भी आप एज अ प्रूफ क्या शो कर सकते हो, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब किस में आ जाएंगे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ऑडिट करवाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है? लिखो, ये बनाओ फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग बनाओ फर्स्ट, ये लिख लिया ना, फर्स्ट हेडिंग बनाओ फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें फर्स्ट लिखो बोरोइंग मनी, बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक्स और एफआई, बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक्स और एफआई, डैश करके लिखो, दे सैंक्शन लोन, दे सैंक्शन लोन ऑन द बेसिस ऑफ, दे सैंक्शन लोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे सैंक्शन लोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कंपनी में सेटल इंश्योरेंस क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट लिखो, फाइलिंग ऑफ आईटीआर, आईटीआर क्या लिखो इसमें, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो एक्सेप्ट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शंस अगेंस्ट बैंक्रप्सी, और लिक्विडेशन, इसमें लिखो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्व एज अ बेसिस टू डिटरमाइन क्लेम्स ड्यूरिंग बैंक्रप्सी, टू डिटरमाइन क्लेम्स ड्यूरिंग बैंक्रप्सी।
डन। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, बैंक वगैरह आपको लोन देंगे, हमने बात कर ली। सेकंड क्या लिखा, इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम लेना है तो भी उनको क्या चाहिए होते हैं, ऑडिटेड। आईटीआर फाइल करोगे तो उनको भी क्या चाहिए होते हैं, ऑडिटेड। लास्ट पॉइंट क्या है, क्लेम्स इन बैंकरप्सी। बैंकरप्सी क्या, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब असेट कम या ज्यादा कम है और लाइबिलिटीज, और वो लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो अब वो क्या होगी, लिक्विडेशन में जाएगी। अब लिक्विडेशन में जाएगी तो वहां पे आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए वो कैसे चाहिए होंगे, क्यों, अब तो बंद हो रही है, अब भाड़ में जाए। हाँ देखो वहां पे पहले अपने पास प्रॉब्लम है ना, जैसे मान लो अपनी लाइबिलिटीज है 15 करोड़ की और असेट्स कितने के हैं, 10 के, तो पहले ही आपने कितना शो कर रखा है, कम शो कर रखा है। मान लो एक्चुअली आपके पास असेट्स हो 13 करोड़ के, कितने असेट हो, 13 के, पर आपने शो कितना कर रखा है, 10। कल अपन ने बात की थी यहाँ तो ओवर वैल्यू कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर वैल्यू। तो आप डायरेक्टर्स ने क्या सोचा होगा कि यार ये जो 2 करोड़ के असेट है ना, ये कंपनी की बैलेंस शीट में शो कर दिए तो उसको तो यूज करके क्या कर लिया जाएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में शो ही कितना करते हैं, 10, और जो बाकी यहाँ पे सॉरी 3 करोड़ जो है, ये 3 करोड़ हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे, मतलब डायरेक्टर्स। तो क्या ये चीज सही है, अभी आएगा ऑडिटर तो उसको तो ये दिख जाएगा, तो इसीलिए उस टाइम पे तो अपन को बल्कि ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वहां पे कंपनी बंद हो रही है, वैसे ही पैसा कम है और आप और पैसा छुपा रहे हो, तो इसीलिए उस टाइम भी आपको क्या चाहिए होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक लास्ट पॉइंट वो लिख लो कि स्टैचुटरी ऑडिट है तो आपको करवानी ही होगी, स्टैचुटरी ऑडिट कंपल्सरी, और ये कंपल्सरी एज पर लॉ। ठीक है, 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के लिखा हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लग रहा है क्या होगा, आईसीएस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छा क्या ट्रांसफर, बातें गॉसिप, अच्छा अच्छा तो वही बता देंगे तो फिर हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं फालतू। अच्छा अच्छा रहेगा। तुम बोल तो सही रहे हो बट एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रहे, ठीक है चलो। अच्छा आईसीएस में आई से क्या है और सी से क्या है, इसका डिटेल में ना आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी भी आएगा और आगे फाइनल में भी आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब अरे इसका बोलने का रीजन ये था कि ध्यान से सुनो तो अगले साल भी काम आएगा। हाँ क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल मतलब कंपनी के विद इन ही, क्या हम कहीं से बाहर से किसी को बुला रहे हैं या बाहर कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, कंपनी के विद इन ही हो रहा है। और कंट्रोल वर्ड तो अपन सुनते ही है ना, कंट्रोल करना किसी चीज को मतलब काबू में करना, बिल्कुल सही कह सकते हैं यहाँ पे। तो अब कंपनी को खुद के ऊपर क्या लगाने हैं, कंट्रोल, कंपनी अगर अपने इंटरनली कंट्रोल लगा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल। अब क्या कंट्रोल लगा रही है, क्यों कंट्रोल लगा रही है, बताओ।
एक बात देखो, जैसे हमने बात की थी कि आपकी जो ऑडिट है, ऑडिट कब होगी? साल में 20-25 बार? एक ही बार होगी। आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में चालू होगा और मार्च में खत्म होगा, तो 31 मार्च के बाद ही तो आपकी ऑडिट होगी। तो पूरे साल में क्या ऑडिटर आके चेक करेगा? क्या वो खुद तो आके चेक करेगा नहीं? तो क्या हम बेटर हैं कि जब ऑडिटर आएगा अगले साल, तब वो खुद ही सब काम कर लेगा, खुद ही सब कुछ चेक कर लेगा? क्या तरीका सही है? या हम अपने लेवल पे ICS भी बनाकर मेंटेन करना चाहिए, जरूरी है। मतलब यहाँ पे ऑडिटर का काम आके आपकी कंपनी को कंट्रोल करने का है या आपकी कंपनी को चेक करने का है? कंपनी को चेक करने का काम है। अब आप चेक करना किसको चाहोगे? जो चीजें मैनेज्ड हैं या एकदम मिसमैनेज्ड हैं? मैनेज्ड या मिसमैनेज्ड? मिसमैनेज्ड को चेक करना चाहोगे? मेरे पास दो लोगों की कॉपी आई, एक की राइटिंग एकदम ऐसे मच्छर मार और एक की ढंग की राइटिंग। एक की प्रेजेंटेशन अच्छी है, नहीं इसकी बेकार है, और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। मन किसको होगा चेक करने का, ये बताओ? फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को? सेकंड वाले को ये मन होगा ना चेक करने का। ये चीज तुम्हें काम आएगी एग्जाम में। उसकी गलती ये है, पहली बात तो मच्छर क्यों मारे? देखो सुनो, हैंड राइटिंग तो चलो ठीक है, अभी इस टाइम पे तो चेंज नहीं हो सकती, बट ट्राई करो कि जब तुम एग्जाम की कॉपी में लिख कर आओ ना, तो ढंग से लिख कर आओ। तुम ये सोच के चलो कि उसके पास इतनी सारी कॉपीज चेक करने के लिए है और वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बैठा है। तुम्हारी गलती नहीं है, बट वो तुम्हारा अटेम्प्ट लगवा देगा, और वो करता है ये काम। मैं तुम्हें बताया भी था, शायद तुम बार बार भूल जाते हो। बताया था ना कि एग्जेम्पशन वाली कॉपीज थी और उसको फेल कर दिया। झूठ बोल रहे हो? बताया था। हाँ बताया हुआ है मैंने। ये इतना इरिटेट होते हैं ना, और इनको फेल करना होता है। तो तुम देखो ना, 5% रिजल्ट आया है, तो क्या वो जो बाकी के बच्चे वो पागल हैं? आपको क्या लगता है कोई बिना पढ़े पहुंच जाता है? चलो बिना पढ़े पहुंच जाते हैं 20%, 30%, 95% लोग बिना पढ़े गए हैं। तुम मान सकते हो ये चीज? कर्मों का वो मिलता रहेगा, तुम अपनी सोचो, उसकी मत सोचो। तो तुम अगर इसको बहुत हल्के में ले रहे हो ना कि प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो बहुत पड़ता है थ्योरी के पेपर्स में। यहाँ पर भी देना लक फैक्टर, बिल्कुल लक तो होता ही है। अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट एफर्ट तुम्हारे हाथ में। तुम उसमें इतना उसके ऊपर एहसान करके आओगे कि मैंने लिख दिया ना तो खुश रहे, तो वो तुम्हें ऐसे ही मार्क्स देगा, फिर 39 तुम भी खुश रहो। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब वही वाली दो चीजें ले लो, चेक उसको ये भी करनी है, चेक उसको ये भी करनी है, लेकिन ज्यादा सुंदर कौन सी है? सेकेंड वाली। सुंदर एज इन अच्छा लिखा है, कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो वहां पे खुश होगा, थोड़ा सा ध्यान से चेक करेगा और उसको इच्छा होगी वो काम करने की। पर अगर अपन फर्स्ट वाली कॉपी की बात करें तो वो ठीक है। एक होता है ना कि ऑब्लिगेशन से आपको काम करना पड़ रहा है, तो वो वहां पे इतना डेडिकेशन शो करेगा क्या? नहीं करेगा। अब आप बात कर लो ऑडिटर की। पहली बात तो ऑडिटर फकीर है या सीए है? सीए है। चलो नए नए को छोड़ दो, लेकिन जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है, वो ऐसी कंपनी जो होती है ना एकदम बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, सब मिसमैनेज हो रहा है, वो उनकी ऑडिट लेते ही नहीं है। एक्सपीरियंस ऑडिटर है, उनके पास पैसों की कमी है क्या? है क्या कमी? नहीं है। तो वो ऐसे कंपनीज की ऑडिट लेते ही नहीं है कि उनमें कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो आपके ऑलरेडी काम वाम सब खराब हो रखा होगा। कंट्रोल नहीं है मतलब एम्प्लॉयज वगैरह कैसे होंगे, एकदम मिसमैनेज होंगे। अब कुछ भी नहीं है कंपनी में, तो आपको जो चेकिंग करनी है वो जीरो से करनी है। एक एक बात आपको चेक करनी पड़ेगी, कुछ भी मैनेजमेंट है नहीं। तो वैसे हमारे पास टाइम कम, फीस भी कोई इतनी हाई तो नहीं मिलने वाली है, तो हम इतना एफर्ट यहाँ क्यों लगाएं? इससे बेटर हम कोई और कंपनी लें, है नहीं? और ये तो हो गया किसका, की बेनिफिट ऑफ ऑडिटर। दूसरी बात, ये अगर कोई कंपनी है तो क्या वो एक साल तक ऐसे टाइम पास करती रहे कि एंड में आएगा ऑडिटर और वो चेक कर लेगा? क्या हम अपने लेवल पे कंट्रोल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल है या नहीं है? तुम एबसेंट हो, तुम्हें क्या कर देते हैं? एबसे इनएक्टिव कर देते हैं ना। क्या रीजन है उसका? मजे आ रहे हैं इनको? इनएक्टिव कर देते हैं। अभी अभी ऊपर एक गई थी किसी दूसरे बैच में से,
दो दिन एब्सेंट थी, किया था इनएक्टिव, तो उसका रीजन क्या है? वो कंट्रोल का टाइप है या नहीं है? कि अगर आप ऑफ ले रहे हो तो क्या ऐसे आप फर्जी ऑफ ले सकते हो क्या? नहीं, फर्जी ऑफ मतलब बीमार नहीं हो, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही बिना बताए छुट्टियां पे छुट्टियां। जो लोग पीजी वाले होते हैं ना, अब अपने ऊपर मत लेना, बट जो पीजी वाले होते हैं ना वो यही करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन तो जाते हैं, बाकी बंक मार लेते हैं। बट कोचिंग वाले लोग ध्यान रखते नहीं है। एक बार ऐसे हुआ था जहां मैं पहले थी, वहां पे एक लड़की का पेरेंट आ गया वहां पे और लड़ रहा है कि हमारी बेटी को कुछ भी नहीं आता है और ये तो डेली कोचिंग पे आती है, फिर भी इसको कुछ भी कैसे नहीं आता और इसके टेस्ट में 0 कैसे आ रहे हैं। जब उसकी अटेंडेंस शीट चेक हुई तो वो 6 महीने में 5 से 6 बार आई है और वो पीजी में रहती थी। सिर्फ 5 से 6 बार आई है। उसके बाद फिर यही होना स्टार्ट हो गया कि अटेंडेंस लेंगे और जो भी नहीं आएगा और बिना रीजन के गया है घर पे कॉल जाएगा। ये एक टाइप का कंट्रोल है या नहीं है? तुम्हारे पास शेड्यूल आता है डेली कि आज 11 बजे आना है, आज 9 बजे आना है। हाँ, अब वो तुम लोग है कि 11 का 11:30 हो गए, क्यों नहीं है? अरे सुबह का टाइम आ रहा है ना, सुबह कितने बजे आना है वो बात करो तुम। यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे पास नहीं आता तो कोई तो यहाँ पे 8 बजे पहुंच जाता, कोई 11 आ रहा है, कोई शाम को भी आएगा, कोई छुट्टी भी मार लेगा। तो ये सब क्या होता है? कंट्रोल। तो कंपनी को अपने लेवल पे क्या लगाने होते हैं? कंट्रोल लगाने होते हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्रॉड्स हैं, जो भी एरर्स हैं, वो उसी टाइम क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए और हम उसको उसी टाइम ही रेक्टिफाई कर ले। यानी आपको वेट करना है क्या कि ऑडिटर आए? अच्छा, अपन घर की बात कर ले, घर पे हम लॉक लगा के जाते हैं या नहीं लाते? कहीं जा रहे हो आप तो लॉक लगा के जाओगे या ये सोचोगे पहले चोरी होने दो, एक बार अगली बार से लॉक लगाएंगे? ऐसा होता है क्या? पहले से लगा के जाते हो ना, भले कितना ही पता है कि आजकल के चोर, उनसे क्या एक ताला नहीं टूट सकता, टूटेगा, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा के जाते हैं ना। तो ये सब क्या है? कंट्रोल है। ये सब क्या है? क्या हो गया? मन की संतुष्टि के लिए। तो ये सब क्या है? कंट्रोल है। अच्छा, कंपनी में कंट्रोल कैसे? एम्प्लॉयज आएंगे तो पंच करके जाएंगे, सबको अपना अपना सिस्टम एलोकेटेड है, एक्सेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर लैपटॉप पे हर बंदा बैठ सकता है या जिसको एलोकेटेड है वही बैठेगा? क्योंकि जो आपने काम दिया उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस दिया ना, क्या हर एक आईडी पासवर्ड आप दे दोगे उसको कंपनी का? नहीं। तो ये सब क्या है? टाइप ऑफ कंट्रोल। तो अगर ऑडिट हो रही है तो ये बात बताओ कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है? आपने कंट्रोल लगा दिए पर कंट्रोल को चेक करने के लिए कोई नहीं है। आपको पता है कंट्रोल लगे हुए हैं पर कोई चेक नहीं कर रहा, क्या आप कंट्रोल मानोगे? नहीं मानोगे। तो इसीलिए कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उसको चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑडिट। क्लियर है? लिखो। पॉइंट नंबर टू, फ्रॉम आईसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्विक डिस्कवरी। फ्रॉड्स एंड एरर्स, क्विक डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। सेकेंड, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। थर्ड, एडवाइस टू मैनेजमेंट एडवाइस टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। डन। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? कंट्रोल लगे हुए हैं तो आपको एरर्स और फ्रॉड्स,
टाइम पे क्या हो जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज कैसे। हाँ, अगर आईसीएस लगा हुआ है तो एम्प्लॉयज को एक रहता है ना, वहां पे कैमरा है, तो तुम क्या बेंच पे चढ़ के नाच सकते हो। किया है कि कभी ऐसा कि बेंच पे चढ़ के नाच रही है कुछ, या रील बना रहे हैं। हाँ, पे कुछ लोग रील बना लेते हैं ऐसे। वो वाली रील नहीं आई थी अभी, बादल नहीं, यही वाली है ना कुछ, वो बना रहे हैं। और अब वो कोई भी है, चलो ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हो, पर अभी कैमरा है तो तुम वो काम करोगे क्या? अच्छा, एक को खड़ा कर देंगे कि वो कॉपी लगा के खड़ा रहे ऐसा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। मतलब वही है ना, कंट्रोल कितने भी लगा लो, लेकिन तरीके तो हमको आते हैं, लेकिन स्टिल हाँ कम हो जाएंगे। अगेन, क्या पूरी चीजें एलिमिनेट कर सकते हो क्या आप? नहीं, पर रिड्यूस तो कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है, एडवाइस टू मैनेजमेंट। अब ऑडिटर आएगा, चेक करेगा अब तुम्हारी हरकतें, उसको तो पता है ना। अब वो सीए है तो उसको पता है, कोई अकाउंटिंग का फ्रॉड करेगा तो किस तरीके से कर सकता है, और कंट्रोल्स कहाँ पर वीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन में कॉपी लगी हुई होगी अगर, तो फिर दिख जाएगा ना ऊपर कि कॉपी लगी हुई है, मतलब कैमरा अगर शो नहीं हो रहा है तो फिर ये कैसे किया होगा इन्होंने, कॉपी लगा के किया होगा, फिर अचानक से किसी को भेजेंगे। तो वो एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को क्या चीज के बारे में, कि आपने कंट्रोल लगा तो लिया पर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डेविएशन है, इसको क्या करो, चेंज करो। मानना नहीं मानना मैनेजमेंट के ऊपर है, पर आपका काम क्या है, एडवाइस देना। और लास्ट पॉइंट क्या है, क्या क्या आएगा इसमें, तुम हर चीज में ऐसे करती हो, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सेम, और कंसिस्टेंट में मतलब कंटिन्यू, लगातार वो चीजें हो रही है। अब आपने कंट्रोल लगाए हैं, वो साल के बिगनिंग में तो फॉलो हो रहे हैं, एंड में आते आते फॉलो नहीं हो रहे, क्या तरीका सही है? क्या नहीं है? तो यहाँ पे कंट्रोल लगाने का क्या इंटेंशन रहता है, कि जो चीजें साल के बिगनिंग में अच्छे से हो रही है वो थ्रू आउट द ईयर अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी किसको चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना है। ठीक है, तो ये अपने दो हो गए। फर्स्ट क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेकेंड क्या है, आईसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लिखो इसका फर्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर इजी विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इजी विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। थर्ड, फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। हाँ, क्या फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
डन। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा पहले तो हेडिंग क्या है, सिग्निफिकेंस फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि अगर हम डील कर रहे हैं बाहर वाले लोगों के साथ में तो उसके टाइम पे क्या बेनिफिट है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। सबने पढ़ी है पार्टनरशिप बचपन में। पार्टनरशिप में कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है अगर, या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बनते हैं अकाउंट्स और उसको हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वहां पे अगर अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं ना। मान लो पार्टनर तो मर गया, अब किसको पेमेंट करोगे, उसके लीगल हायर्स को, तो उनको तो क्या ही अक्कल है कि बिजनेस में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो अगर ऑडिटेड नहीं है तो वो क्या काम करेंगे वहां पे, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके कम कम शेयर उसको दिखा के और दे देंगे। लेकिन अगर ऑडिटेड है तो उस केस में क्या होगा, सीए ने हाँ जितना बोला है मतलब वो सही बोला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो आपको आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो सही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, वैल्यूएशन। अगर हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अब बिजनेस की कितनी वैल्यू है, वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, असेट जितने भी है उसमें से लाइबिलिटीज की वैल्यू को लेस करके। तो अब वो कितने असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो सब वैल्यूएशन भी आप किस बेसिस पे करोगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। लास्ट पॉइंट क्या बोला, फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड। अच्छा अभी हमने पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए, कौन से वाले, ऑडिटेड, और हमें उससे क्या दिखाई दे रहा है कि यार हर साल प्रॉफिट 10% से बढ़ रहा है, तो हम क्या आगे का भी असेसमेंट कर सकते हैं ना कि अच्छा आगे भी प्रॉफिट इतना इतना बढ़ेगा, या मान लो कि लॉसेस आ रहे हैं कंटिन्यू तो आगे भी कैसा पोजीशन रहेगी, तो हम उसके बेसिस पे आगे का ट्रेंड देख सकते हैं कि कैसा है, प्रॉफिट वाला है, स्टेगनेंट है या लॉसेस है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, देख लो एक बार। ठीक है, कोई डाउट है तो देख लो। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, सबसे पहले ऑडिट का मीनिंग एज पर ICAI एंड एज पर SA 200। सेकेंड हमने क्या बात पढ़ ली, फीचर्स ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। सेकेंडरी कौन सा है, फ्रॉड्स एंड एरर्स। इसके बाद अदर हो गए, और उसके बाद में सिग्निफिकेंस है, तीन POV। फर्स्ट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ICS पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक कोई डाउट, चलो अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक तुम बताओगे अपने आप, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ठीक है, पहले तो दोनों का मीनिंग लिखेंगे हम लोग। अकाउंटिंग में मीनिंग में क्या आएगा, यहाँ पे हम जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, सबसे पहले तो आप ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा अकाउंट्स में सब ट्रांजैक्शन आते हैं, मॉनेटरी वाले आते हैं, फाइनेंशियल मॉनेटरी वाले, तो उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई, वो पूरा जो प्रोसेस है समराइजिंग, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ऑडिट की अपन ने पढ़ी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं हम लोग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करके पोजीशन चेक करेंगे ना। अच्छा दो, एक तो यहाँ पे P&L बनता है अपना, एक क्या बनती है, बैलेंस शीट। तो P&L क्या शो करता है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंस शीट कि 31 मार्च को हमारा क्या पोजीशन है। ठीक है, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कि क्या जो हमने ये फाइनेंशियल्स बनाए हैं, ये फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा पहले क्या होगी, ऑडिट या अकाउंटिंग, ऑब्वियसली अकाउंटिंग होगी पहले, तो क्या हम कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टेप 1 है, पहले अकाउंटिंग होगी उसी को तो आप चेक करोगे ऑडिट में, और ऑडिट आपका सेकेंड स्टेप है। अच्छा अकाउंटिंग कंटिन्यूअस होती है क्या, अकाउंटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन हुआ और उसको बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है, ऑडिट होने के बाद चेक करना है क्या, एंड में, पूरा पीरियड आपका एंड हो गया तो वो एनुअल बेसिस पे होगी, और
हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटिंग तो हम किससे, अकाउंटेंट से, बेसिक नॉलेज है तो वो अकाउंटेंट हो सकता है यहाँ पे। अच्छा अकाउंटेंट एम्प्लॉय होगा या इंडिपेंडेंट, अकेला कोई रैंडम पर्सन? एम्प्लॉय ही होता है, पर ऑडिट कौन करेगा? पहली चीज तो वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, दूसरी बात वो पर्सन इंडिपेंडेंट होगा, तीसरी चीज प्रोफेशनल होगा। और बस इतने आते हैं, सोचो। यहाँ पे अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट क्या आता है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। क्या हो गया? नहीं मतलब लिमिट है ये तो। अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, और ऑडिट का एंड रिजल्ट चेक करके अपना ओपिनियन दोगे कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एएस फॉलो करने होते हैं, यहाँ पे एसए फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये बताओ, अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेंट है वो किसको आंसरेबल है? मैनेजमेंट को। अकाउंटेंट जो है उसको बनाकर मैनेजमेंट को देने हैं, गलती वलती है तो मैनेजमेंट डील करेगा। ऑडिटर किसको अकाउंटेबल है? शेयर होल्डर्स। ऑडिटर इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, हाँ स्टेक होल्डर्स कह लो, पर रिपोर्ट जब अपन देते हैं ना वो शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है। होमवर्क है ये। अच्छा हाँ वैसे सही बोल रहे हो, क्यों लिख नहीं सकते क्या इसको? सबके सब लिख लेंगे। चलो लिखो, तुमसे तो हो लिया। देखो एग्जाम में एक चीज सुनो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, कोई भी दो टॉपिक्स के बीच में, या तो वो साफ साफ लिख कर देगा कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करो, मतलब उसने खुद ही क्या बोल दिया कि टेबल बनाओ, तो टेबल बनानी है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, तब ट्राई करो कि बेसिस बनाओ ही बनाओ, क्योंकि वो टेबल बोला है तो प्रेजेंटेशन आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। अच्छा कभी कभी बेसिस नहीं बन सकते हैं, मतलब गिवन ही नहीं होते बुक में, तो कैसे बनाए? मन से भी तो आप निकाल सकते हो ना बेसिस, तो जब ऐसा लिखा हुआ है तब तो टेबल बनानी है। मान लो लिखा हुआ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है बस कि डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन, और दो टॉपिक्स दे दिए, आप क्या करें? टेबल या पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट्स में? देखो उसके लिए आप चेक करो कितने मार्क्स का है। मान लो अगर आपका 8 मार्क्स का आ गया, मान लेते हैं एक बार को, कितने मार्क का है? 8। 8 मार्क का तो कितने पॉइंट लिख के आओगे? कौन कौन कह रहा है कि हम 5 ही लिख के आएंगे? कौन कौन कह रहा है 8 लिख के आएंगे? मिनिमम भी नहीं है, मिनिमम तो 10 है यहाँ पे। कभी भी जितने मार्क का क्वेश्चन है ना उतने इक्वल पॉइंट मत लिखना, ज्यादा ही लिखने हैं 2-3। अच्छा अगर आपको लगता है कि यार 8 मार्क का क्वेश्चन है पर टेबल बना के आपको ओनली 3 ही पॉइंट आते हैं, तो कोई अक्कल वाली बात है कि टेबल बना के आओगे? अगर आपको लगता है 8 मार्क का है और 9-10 पॉइंट मेरे बन जाएंगे, चलो 8 भी बन जाएंगे, तो आप क्या बना लो? टेबल। पर अगर आपको लगता है पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो टेबल मत बनाना, फिर कैसे करके आओ? जैसे ऊपर हेडिंग लिख दिया अकाउंटिंग, जो लिख दिया ऑडिट, पहले अकाउंटिंग के सारे पॉइंट लिख दिए। अच्छा पैराग्राफ में मत लिखना कि अपन ने ऐसे आधा पेज पूरा लिख दिया एक ही साथ बिना लाइन छोड़े, नहीं, पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। पर एग्जाम में लिखा हुआ है टैबुलर, तो फिर टैबुलर करना ही पड़ेगा, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, समझ गए? चलो बनाओ, एक साइड लिखो अकाउंटिंग, एक साइड लिखो ऑडिट। अच्छा 4 मिनट, लिखो अकाउंटिंग में कलेक्शन
ये कौन बोल रहा है? पर खुद ही लिख सकते थे ना तुम, लिख सब सकते हो, तुम्हें पास है ना जोर आता है। समराइजेशन, ऑफ डेटा, टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट का मैं वापस से नहीं लिखवा रही हूँ, अपने आप लिखोगे। अब इसमें तो पहली बात तो ये, ऑडिट की हम दो बार तीन बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन लिखनी है। हाँ, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, लिखो, चलो लिखो लिखो, ये सबका अकाउंटिंग हो गया। तुम यहां से उठो, वाइब्स आती हैं। लिखो, जल लीजिए, चलो जल वल पीते रहना, अभी क्लास होने वाली है। मीनिंग लिख लो, लिखो सफिशियंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट में लिखो सफिशियंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर नॉन फाइनेंशियल डेटा टू गिव एन ओपिनियन, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉन फाइनेंशियल डेटा टू गिव एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एंटरप्राइज, टू गिव एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एंटरप्राइज। वैसे पता है, यहाँ पे कॉमन सेंस क्या आना चाहिए था कि हम मीनिंग पहले लिख चुके हैं ना, तो हम समझ जाएंगे एग्जाम में। इतना तो लिख लिया, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एंटरप्राइज। कल सबके सबको ऑडिट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, याद मतलब वैसे कोई जरूरत नहीं थी इसको याद करने की, पर जो तुम्हारी हरकतें है ना कि इसके बाद क्या बोला क्या बोला, अभी भी मतलब 3 दिन के बाद भी ये हरकतें हो रही हैं अगर, तो सब याद करके आएंगे। चलो बाकी कल करते हैं। अच्छा।